दिस इज मनमोहन, बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट फ्रॉम बांदा यूनिवर्सिटी इन एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा उत्तर प्रदेश। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं कि मैं अभी खड़ा हूं बांदा यूनिवर्सिटी के जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बांदा उत्तर प्रदेश, उसी के सामने खड़ा हूं मैं और उसी के अंदर आज आपको लेकर चलने वाला हूं। तो दोस्तों साथ आइए और देखते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या है और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, आपकी क्लासें कहाँ लगती हैं, इसी के बारे में आज हमारी। जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहा है कॉलेज के जस्ट सामने, ये मेन यूनिवर्सिटी ब्लॉक है। और अब कॉलेज के अंदर चलते हैं दोस्तों। जैसा कि ये आपकी कॉलेज रही, पूरी एग्रीकल्चर जो रेड रंग में जो बिल्डिंग है, ये पूरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है। तो दोस्तों चलते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ। मैं अभी रोड पे हूँ, ऑन द रोड हूँ। अब चलते हैं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, बोर्ड लगा हुआ है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। ये रहा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये छोटा सा लॉन सामने बना हुआ है। अंदर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आपको कि ये बांदा यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कॉलेज है, इसी के जस्ट आगे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के जस्ट आगे कम्युनिटी साइंस है। और ये दोस्तों फाइनली में आ चुके हैं अपने मेन डोर है, जो मेन गेट है कॉलेज का, उसके सामने। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, ये राकेशी महाविद्यालय बांदा। तो दोस्तों अंदर चलते हैं, आपको पूरी कॉलेज की टूर कराते हैं छोटे से एक ब्लॉक के अंदर। मैनली मैं दरवाजे पे आ गया हूँ, दरवाजा ओपन मैंने कर लिया है। अब आगे चलते हैं। आज संडे का टाइम है तो इसलिए डिपार्टमेंट सारे बंद हैं और मुझे व्लॉग बनाने का भी अच्छा टाइम मिला है। ये देख सकते हैं आप, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। अब चलते हैं कॉलेज के और अंदर, मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दिखा दूँ। और जो ICR से और UP कैटेट से जो बच्चे आने वाले हैं फर्स्ट ईयर की, उनकी क्लासें एग्रीकल्चर वालों की क्लासें यहीं लगने वाली है। हॉर्टिकल्चर का मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये लेक्चर हॉल है, हम आए थे, हमारी क्लासें इसी में सबसे पहले लगी थी। और आगे चलता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे, ये है मशरूम प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र, मशरूम उत्पादन इकाई जो यूनिट है वो यहीं पर लगा हुआ है। और आप आगे की तरफ आते हैं तो जैसा कि मैं दिखा दूँ, यहाँ पर आपकी लैब बनी हुई है, लैब के आगे आपके क्लासरूम है, क्लास के ऊपर आपके जगह जगह आपके डिवीज़न दे रखे गए हैं। ये सोइल टेस्टिंग लैब है और ये वाला हिस्सा जो अभी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लैब है, और ये जो हिस्सा अभी आ रहा है, ये दोस्तों KVK के अंडर में पड़ता है। और मेनली ये इसी इलाके में KVK सबसे है, इससे आगे एग्रीकल्चर कॉलेज है। दोनों को सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप और अंदर चलते हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा आपका कृषि विभाग प्रसाद, जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये रहा आपका, ये मेन गेट है KVK का, अभी संडे होने के कारण ये बंद है। ये KVK बांदा है, जैसा कि दिखा दूं मैं आपको। तो अब चलते हैं हम ऊपर, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है, प्लांट ब्रीडिंग और इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट है। ऊपर की तरफ चलते हैं सीढ़ियों से होते हुए। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है, यहीं से आपका स्टार्ट होता है। ये पूरा ब्लॉक आगे जो है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में ही है। देख सकते हैं आप, ये टीचर के रूम हैं जिन पे बाकायदा, ये मैथ के टीचर हैं, इन पे सभी पे नाम लिखा हुआ है। ये गौतम सर, ये इकोनॉमिक्स के सर हैं। राहुल कुमार प्रोफेसर, ये भी इकोनॉमिक्स के हैं। और आगे आ जाता है आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। आप देख सकते हैं, ये प्लांट ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट है, पूरा प्लांट ब्रीडिंग का है। इतिहास सर जेनेटिक्स से हैं, डॉक्टर विजय शर्मा सर जेनेटिक्स से हैं। अब आगे चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है जेनेटिक्स और सीड टेक्नोलॉजी की लैब है। और उसके आगे जाते हैं तो ये है शुष्क खेती अनुसंधान केंद्र बांदा यूनिवर्सिटी का, और उसके आगे है आन्विक प्रजनन प्रयोगशाला। हम जैसा कि देख सकते हैं, आप इससे होते हुए नीचे चलते हैं। अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। जैसे लाइब्रेरी का मैंने पहले भी व्लॉग बना रखा है अंदर से, अभी फिलहाल मैं अंदर नहीं जाने वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। लाइब्रेरी है, आप चाहें तो लाइब्रेरी के अंदर जाकर
जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊँगा। अगर कोई अंदर होंगे तो वो डिस्टर्ब होंगे। ये मैं वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और जो बाकी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ। जैसा कि लाइब्रेरी से निकल करके हम आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं। ये टीचर्स के रूम हैं, ये हम जो उनके ऑफिस हैं, केबिन है टीचर्स के। पूरा कॉलेज खाली पड़ा है, संडे का दिन है, कोई नहीं है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, थ्योरी एग्ज़ाम सेमेस्टर के, उसी में सब बिजी हैं, लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ये जहाँ से एंट्री हुए थे वहीं का इलाका है। अब आगे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। ये यूजी की रिसर्च लैब है, इस तरफ भी रिसर्च लैब है। अंदर जो भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो कराया जाता है प्रैक्टिकल, एग्रोनॉमी लैब, एग्रोनॉमी में जो भी होता है इसी में सब कुछ कराया जाता है। और आगे जाने पर ये इलेक्ट्रिक रूम है, सप्लाई वगैरह इलेक्ट्रिक की होती होगी। जैसा कि आपको आगे जो मोस्ट जो डिपार्टमेंट हैं वो आपको दिखाई देंगे। इस तरफ है आपका सोयल साइंस डिपार्टमेंट, अंदर आप जा करके देख सकते हैं। पूरा डिपार्टमेंट है सोयल साइंस में, दिखा दूँ मैं आपको। आनंद कुमार चौबे सर, देव सर, अमित सर, आगे और पूरा सोयल साइंस डिपार्टमेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान। ये पूरा डिपार्टमेंट एग्रोनॉमी का है, आप देख सकते हैं। नरेंद्र सिंह सर, ये दिनेश शाह सर, ए के त्रिपाठी सर, डॉक्टर अंकित कुमार सर और सारे जो भी टीचर हैं, डॉक्टर अरुण कुमार सर, ये सभी डिपार्टमेंट में इसी में दिए गए हैं। और आपको मैं ऊपर और जो डिपार्टमेंट है उनके बारे में दिखा दूँ। ऊपर आ चुके हैं सीढ़ियों से, जस्ट एग्रोनॉमी के ऊपर प्लांट पैथोलॉजी की का डिपार्टमेंट है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर सभी सर के जो भी चैम्बर हैं, जो भी उनके वॉशरूम टॉयलेट वगैरह यहाँ पे बने हुए हैं। ये धर्मेंद्र सर का चैम्बर है, ये वीरेंद्र कुमार सिंह सर, जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सर का, ये विवेक सर का है जो आपको फर्स्ट ईयर में हैंडल करते हैं। डॉक्टर नेगी सर का है, ये चीफ वार्डन सर का केबिन है। और आप आगे जाएंगे, जैसे कि मैं दिखा दूं, सामने एक एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है और इस तरफ पादप रोग विज्ञान पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है। ये पूरा डिपार्टमेंट इस तरफ से खुला हुआ है और जो आप सामने देख पा रहे हैं ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। टाइम मिलेगा तो कभी इसका भी लोग अंदर से बना देंगे। जैसे कि एंटोमोलॉजी में देख सकते हैं आप, राकेश पांडे सर, ये आपको हैंडल करेंगे फर्स्ट ईयर में। एक के सिंह, ये हॉर्टिकल्चर में मेनली पढ़ाते हैं एंटोमोलॉजी। मुकेश मिश्रा सर, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे एंटोमोलॉजी। और ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट है। दोस्तों, हम सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको सामने से दिखा भी दूँ, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी एग्रीकल्चर के थर्ड फ्लोर पे हूँ। आप सामने आरओ प्लांट देख सकते हैं और उसी के सामने आप एग्रीकल्चर के जस्ट सामने कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। कभी टाइम मिलेगा तो दिखाएंगे। उसके आगे आपको जो पिंक रंग में दिखाई दे रहा है वो कम्युनिटी साइंस गर्ल्स के लिए, वहीं पर गर्ल्स हॉस्टल भी है। और आगे आपको जो गोल्डन ब्राउन कलर में दिख रहा है वो है आपके फॉरेस्टी, कॉलेज ऑफ फॉरेस्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अंदर चलते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। अभी ऊपर की तरफ कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ फैकल्टी के लिए, कुछ रिसर्च के लिए, कुछ लैब वगैरह ज़रूर ऊपर देखने को मिली है, बाकी यहाँ कुछ इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि जो भी मेनली डिपार्टमेंट है सभी नीचे की तरफ है। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से यूनिवर्सिटी का व्यू साफ दिख रहा है। दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ, जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है मेन यूनिवर्सिटी, जो आपकी बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा का नाम है। और यही आपके एडमिन ब्लॉक है, रजिस्ट्रार सर और जो विषय सर हैं वो यहीं रहते हैं और यही उनके जो भी ऑफिशियली काम होते हैं यूनिवर्सिटी के यहीं से होते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी मैं फ़िलहाल यूनिवर्सिटी के सबसे टॉप फ्लोर पे हूँ और अब मुझे नहीं लगता कि कोई आगे डिपार्टमेंट बचा है। जैसा कि आप देख भी सकते हैं मैं फ़िलहाल अभी यूनिवर्सिटी के कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज की छत पर हूँ। और आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं दिखा दूँ आपको, जो आप आगे जो दरवाजे बंद देख रहे हैं ये हैं आपके एग्जामिनेशन हॉल। जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे वो इन्हीं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हैं, तो इसको अभी बंद करके रखा गया है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं और क्लियर पास से डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने आपको दिखा दिया है, वो नीचे की तरफ था। और एग्जामिनेशन हॉल आप देख सकते हैं ये बंद करके रखा गया है और ये आपके पानी वानी पीने के लिए, टॉयलेट वॉयलेट के लिए सभी व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई है। जैसा कि मैं आपको नीचे लेके चलूँ, तो दोस्तों कोई ज़्यादा यहाँ नहीं है। अब चलते हैं वापस, बस जो मैन थे डिपार्टमेंट में आपको दिखा चुका हूँ, अब नीचे की तरफ चलते हैं वापस से।
ये जो बंद किया गया है ये आपका मल्टीपर्पज हॉल है, और इसके जस्ट सामने इस तरफ आगे की तरफ डीन सर का ऑफिस है। वापस चलते हैं दोस्तों नीचे की तरफ। तो दोस्तों जैसा ये देख सकते हैं सारे डिपार्टमेंट के जो भी हैं किस तरफ हैं आपके दे रख दिया गया है। और अब दोस्तों आपको मैं लेके चलता हूँ वापस बाहर की तरफ। ये कॉलेज का मेन गेट है, यहीं से हमने एंट्री की थी। आगे की तरफ से डिपार्टमेंट शुरू होते हैं लाइन वाइज, और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ डीन सर का ऑफिस आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। ये डीन सर का ऑफिस है, ये यूनिवर्सिटी है मेन। आप सबको व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये शॉर्टली एक इन्फॉर्मेशनल था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यूनिवर्सिटी कैसे क्या है, कॉलेज अंदर कैसे क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। कभी टाइम मिलेगा तो आपको क्लास के अंदर भी लेके चलेंगे, और क्लास कैसे चलती है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम आ चुके हैं अपने सबसे नीचे फ्लोर पर, और हम निकलते हैं यूनिवर्सिटी से बाहर। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर के गेट पर मैं हूँ, गेट खोल कर मैं बाहर आ चुका हूँ। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने हो गए। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा वो लोग, और ऐसे इंटरेस्टिंग बांदा यूनिवर्सिटी या बांदा एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड और कम्युनिटी साइंस के रिगार्डिंग में अगर ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो कुछ उसके रिगार्डिंग भी ट्राई किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई ऑफिशियल अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये दोस्तों आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही होगी, ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, और जैसे कि मैं आपको सामने दिखा दूँ ये आपकी मेन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे ये रोड है, बीच में एग्रीकल्चर कॉलेज सामने है, कुछ फील्ड है, फिर आगे की तरफ हॉर्टिकल्चर कॉलेज है आपकी, कुछ फील्ड बीच में दे रखे हैं, और फिर उसके बाद में आपकी जो आप बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको, ये मेन बिल्डिंग, ये एडमिन ब्लॉक है, और यही आपकी बांदा है ओरिजिनल बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। और आप वहाँ पर आपकी क्लासें नहीं लगेंगी, वहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल जो एडमिट प्रशासनिक काम होते हैं वो वहाँ पर एडमिन ब्लॉक में किए जाएंगे, एडमिन वाले काम, और आपकी क्लासें कॉलेज में लगेंगी। ये एग्रीकल्चर कॉलेज है, आगे हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, कम्युनिटी साइंस और फॉरेस्ट्री कॉलेज है। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं अब कि जो आपके हॉस्टल जो मिलेंगे आपको, कौन से हॉस्टल मिलने वाले हैं और क्या क्या हॉस्टल रहेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहाँ रहने वाले हैं, जहाँ अपने घर से आ रहे हैं दूर। तो आपको मैं रियलिटी बता दूं कि जो यूट्यूब पे इनके रिगार्डिंग अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, और किसी ने अभी व्यू नहीं दिखा रखा है, तो मैं आपको बता दूँ। कॉलेज से बाहर निकल के आ चुके हैं, पीछे देख सकते हैं आप कॉलेज है, और जस्ट आप आगे की तरफ देखेंगे तो KVK का बोर्ड लगा हुआ है, और ये जस्ट सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है एग्रीकल्चर के साथ, जैसा ये कॉलेज आपके ख़त्म हो चुकी है। आगे कॉलेज का मेन गेट है, और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये KVK है, जो एग्रीकल्चर KVK है, जैसे कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र बांदा। और दोस्तों जैसे कि आप आगे आते हैं तो आपके जो अभी हॉस्टल का पोर्शन है, बॉयज़ हॉस्टल का, गर्ल्स हॉस्टल का मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, लेकिन रिगार्डिंग पता लगाएंगे उसके बारे में भी। तो ये आपका वेटनरी हॉस्टल है दोस्तों, और वेटनरी की ब्रांच भी यहाँ शुरू होने वाली है, तो उसका काम अभी प्रोसेस में चल रहा है। आप एडमिन ब्लॉक से सीधे यहाँ आ सकते हैं, रास्ता कच्चा है अभी, मेन रास्ता ये है। तो मैं आपको दिखा दूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ये वेटनरी है, आगे पीछे की तरफ वेटनरी का रिगार्डिंग जो कॉलेज और उसके जो भी लैब वगैरह और जो भी हॉस्पिटल वगैरह बनने हैं उनका काम चल रहा है। और ये है दोस्तों आपकी मेन सबसे मस्त वेटनरी हॉस्टल, अभी तक सबसे मस्त वेटनरी हॉस्टल यही है। और जो आपको यूट्यूब पे दिखाया जा रहा है कि आला हॉस्टल दोस्तों MSc और PhD वालों के सीनियर्स के लिए, और बाकी का भी प्रोसेस अभी काम चल रहा है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, मैं दिखा दूँ आपको, देख भी सकते हैं, ये है आपका KVK कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सामने नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। जितने भी इसके व्हीकल हैं या जो भी टूल्स इम्प्लीमेंट हैं वो यहीं पर रखे गए हैं एग्रोनॉमी के रिगार्डिंग। और ये सामने है वेटनरी हॉस्टल दोस्तों, सबसे मस्त हॉस्टल अभी यही है UG लेवल पे। MSc का आगे है आला हॉस्टल, वो यहाँ से नहीं दिखेगा, वो भी आपको आगे कभी ले जाकर दिखाएंगे। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ KVK, ये आपका मेनली एग्रीकल्चर KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र बांदा का, और इसी से पीछे आपके डिपार्टमेंट लगते हुए कॉलेज है पूरी है। जैसा कि मैं आपको ले चलूँ, ये हॉस्टल हैं जिनके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के हिसाब से बांटे गए हैं, चारों हॉस्टल हैं, इनके चारों के अलग अलग नाम दिए गए, 1, 2, 3, 4। और ये है सबके जो वेटनरी हॉस्टल हो यहीं से शुरू होता है, फर्स्ट गेट ये है और सेकंड गेट आपका पीछे की तरफ है। तो मैं अभी सेकंड गेट पीछे वाले इसी की तरफ है, तो मैं सेकंड गेट से जाऊंगा आपके, इसमें सेकंड ईयर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से कुछ लोग रहते हैं, और जो मेनली हैं वो सब अलग अलग कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, बीच में जो आपको हॉस्टल दिख रही है ये है आला हॉस्टल, सबसे मस्त और सबसे पावरफुल हॉस्टल यही है, क्योंकि MSc के PhD के सीनियर यहीं रहते हैं। और ये आपके थर्ड ईयर फोर्थ ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब से एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट कर दिए जाते हैं। आ गए हैं अपने वेटनरी हॉस्टल के अंदर, तो जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा ये मेनली हॉस्टल है
है ना। और अब हम हॉस्टल के अंदर चलते हैं, गेट आपका सामने दिखाई दे रहा है, गेट सामने की तरफ है, चलते हैं। अगर वॉइस कैंसिलेशन होता है या वॉइस के लिए नहीं आती तो समझ लें कि अंदर की तरफ बच्चे रहते हैं तो आवाज़ तो करेंगे। ये वेटनरी हॉस्टल है जो मेरा हॉस्टल है, ठीक है ना, मेरा। ये आ चुके हैं मेन गेट पे, गेट नंबर बी पे। और मेनली ये बरसात हो रखी है, बरसात का मौसम है तो पानी यहाँ पे भरा हुआ है। अब चलते हैं हॉस्टल के गेट के अंदर, और ये हॉस्टल के गेट के अंदर आ चुके हैं। ये यूजी फर्स्ट ईयर लेवल तक के वालों का स्टूडेंट है, वो आपको वहाँ पे सेकंड ईयर वालों की मेज दिख जाएगी। ये हॉर्टिकल्चर से हैं, और जो फर्स्ट मैंने दिखाया था गेट आपको उनका है, ये इस तरह फर्स्ट ईयर वालों का हॉस्टल अलग है। आप अंदर चलते हैं तो ये रूम है, सिंगल रूम भी हैं, मोस्टली डबल हैं, और तीन या चार लोगों के रूम हैं। ये रूम दे रखे हैं आपको, और अंदर चलते हैं। ये हमारे राम मोहन सर का है रूम, जो वार्डन सर का रूम है, इस तरफ भी रूम है। और आगे जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये हमारे मीणा जी हैं, और ये है अपनी वेटनरी हॉस्टल की जो मेस, जो भी खाने वाने की जो भी अरेंजमेंट होता है मेस के अंदर ही होता है, कुछ ना खेलने वेलने की व्यवस्था भी की गई है। तो आपको अंदर लेके चलते हैं दोस्तों। आप समझ जाइए आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। ये आपकी मेस है, यहाँ से आप आ सकते हैं और अंदर जा करके मेस में खाना खा सकते हैं। अभी मैं, मेरे पास बैग है तो मैं ऊपर बैग रख करके फिर आऊँगा। बरसात चल रही है तो कूलर वगैरह चला के रखते हैं तो गंदा हो रखा होगा थोड़ा सा, आप देख करके एडजस्ट कर लें। ये डबल डबल रूम है, और अंदर जाएंगे ऊपर जाने के लिए यहाँ से बंद किया गया है। जैसे कि आपको रूम के अंदर ले चलूँगा, यहाँ पे आपको रूम का नाम दिख रहा होगा, ये मेरा रूम है। और ये आ गए हम रूम के अंदर, ये हम आइए सो रहे हैं, और ये रूम और ये चेयर हमें दी जाती है साथ में। अपना हिस्सा, अपना इलाका, या देख रहे हैं चीज़ें रखी हुई। ये है वेटनरी हॉस्टल का रूम। वहाँ आवाज़ क्लियर नहीं आएगी तो आप देख करके हालात समझ लेना तो ठीक रहेगा। आशा करता हूँ आप सबको वो लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये शॉर्टली एक इन्फॉर्मेशनल था कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यूनिवर्सिटी कैसे क्या है, कॉलेज अंदर कैसे क्या है, डिपार्टमेंट क्या है। कभी टाइम मिलेगा तो आपको क्लास के अंदर भी लेके चलेंगे, और क्लास कैसे चलती है, क्या प्रोसेस है, वो भी आपको बताएंगे। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा वो लोग। और ऐसे इंटरेस्टिंग बांदा यूनिवर्सिटी या बांदा एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी साइंस के रिगार्डिंग में अगर ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो कुछ उसके रिगार्डिंग भी ट्राई किया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नई ऑफिशियल अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।